स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब का पहला लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक के बारे में जानकारी देता हूँ। दोस्तों आज तक हमारे पास बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आया था कि सर हम अपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं, क्या प्रोसेस है उसका। तो आज मैं आपको वही सिर्फ प्रोसेस बताने वाला हूँ कि अगर आप ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक या फिर किसी भी तरह का, जरूरी नहीं है कि इसी यही इंडस्ट्री, किसी और भी तरह की कंपनी को आप ओपन करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो, उसके लिए क्या क्या करना होता है। इससे रिलेटेड दोस्तों मैं पहले भी वीडियो बना रखा हूं, बट उस पे मैंने पूरा का पूरा ओवरव्यू दिया था। पूरे इंडस्ट्री के रजिस्ट्रेशन, बिजनेस रजिस्ट्रेशन जो होते हैं उसके बारे में मैं बताया था। बट आज मैं स्पेसिफिक दो तीन इंडस्ट्री से ही रिलेटेड जो बिजनेस होता है उसके बारे में बता रहा हूं। उसमें से ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, 3PL, 4PL जैसे जितनी भी कंपनी है जो आज के डेट में वर्क कर रहा है इंडिया के अंदर, उसका किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो वो आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप मेरे से डायरेक्ट कॉल पे बात करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए कॉल मी फॉर ऐप, वहां पे मेरा आईडी है ट्रांसपोर्ट गुरुजी के नाम से, आप मुझे वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही ट्रांसपोर्ट गुरुजी के नाम से इंस्टाग्राम का जो आईडी है और साथ में मेरा फेसबुक का जो आईडी है वहां पे अब लोड आना स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आपको लोड वगैरह चाहिए होता है तो आप इन दोनों जगह पे जाकर के फॉलो कीजिए, रिक्वेस्ट भेजिए, आपको यहां से लोड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी लोड मिलना यहां से स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों चलिए फिर से वीडियो पे चलते हैं, जो आज का वीडियो है, और हम बात करते हैं कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। अगर आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी भी है तो आप उसको और बेटर किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, उसमें और आपको क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोप्राइटरशिप, जिसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में बताया हूं कि आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जा करके बनवा सकते हो अपने कंपनी, अपना जो बिजनेस है रजिस्ट्रेट करवा सकते हो। तो वो जो तरीका है वो ऑलरेडी मैं बता रखा हूँ बहुत सारे वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे आप रजिस्टर्ड कर सकते हो, क्योंकि अगर आप कमीशन एजेंट का काम करना चाहते हो तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। बट अगर आप डायरेक्ट बुकिंग का काम करना चाहते हो, अगर आप किसी कस्टमर से डायरेक्ट मटेरियल उठाना चाहते हो, किसी मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट मटेरियल उठाना चाहते हो, वहां पे अपना बिल्टी लगाना चाहते हो, वहां पे अपना डॉकेट लगाना चाहते हो, तो इस कंडीशन में आपको अपने कंपनी का प्राइवेट लिमिटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि आज के डेट में मैन्युफैक्चरर्स जितने भी है ज्यादा करके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ही मटेरियल देते हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए दोस्तों चार पांच डॉक्यूमेंट्स जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो लेकर के जाइए, किसी भी सीए को दीजिए या फिर बहुत सारे ऐसे कंपनी आज की डेट में जो कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन करते हैं उनको दीजिए, वो आपको करके दे देंगे। जैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट है, फोटो है, जो भी लोग उसके मालिक होंगे, जो डायरेक्टर होगा उसका फोटो। याद रखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कभी एक आदमी से नहीं बनता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमेशा दो लोगों की जरूरत होती है। तो दो लोगों का फोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो, उसके बाद उन दोनों लोगों का पैन कार्ड का कॉपी चाहिए, उस पे सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, मतलब कि उस पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए। इसके साथ ही आपको आधार कार्ड का कॉपी देना है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपको वोटर आईडी कार्ड का कॉपी देना है, उस पे भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा। तीसरा डॉक्यूमेंट है जिस एड्रेस पे आप अपने कंपनी का एड्रेस रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वहां का आपको एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। वहां के डॉक्यूमेंट में आपको रेंट एग्रीमेंट चल जाएगा, बिजली का बिल चल जाएगा, वो जो एड्रेस है आपका उस ऑफिस के एड्रेस के साथ आपके कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसमें अगर मैं बात करूं दोस्तों कि खर्चा कितना आता है तो तकरीबन 8,000 से लेकर के 16,000 रुपए तक का खर्चा आता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपको अलग अलग मिल जाती है, बहुत सारी कंपनी जो अलग अलग चीजें आपको प्रोवाइड करवाती है, तो उसमें से बहुत सारे टेन है, जीएसटी सर्टिफिकेट और भी इस तरह के बहुतों सारे डॉक्यूमेंट होता है कंपनी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो आपको मिलता है, तो वो सारा आपको वहां से मिल जाएगा। बहुत सारी कंपनी तो आपको लोगो तक रजिस्टर करके दे देती है, आपके बिजनेस लोगो, तो वो भी आपको वहां से मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने का प्रोसेस।
अब इसके बाद हम दो स्टेप और बढ़ते हैं कि और आपको क्या क्या कराना है। तो जब भी आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हो तो याद रखिए आप साथ में ट्रेड लाइसेंस भी ले लीजिए। ट्रेड लाइसेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए एक तरह से आज की डेट में जरूरी हो गया है। दूसरा है, आप अपना कंपनी का रजिस्ट्रेशन एमएसएमई में करवा लीजिए। एमएसएमई के बारे में मैं ऑलरेडी पहले भी बता रखा हूं, आप वहां पे जाकर पूरा डिटेल से देख सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों जीएसटी। जीएसटी एक्चुअल में आज तक चल रहा था आरसीएम में, अब कुछ सालों से स्टार्ट हुआ है एफसीएम जिसको बोलते हैं, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है कि आपको अपना जो भी आप परचेज करते हो उसका क्रेडिट मिलना स्टार्ट हो जाता है, आपको उसका टैक्स रिटर्न होना स्टार्ट हो जाता है। जबकि आरसीएम में ऐसा नहीं होता। अगर आप आरसीएम में रजिस्टर्ड हो, ट्रक लेते हो, जो टैक्स आप गवर्नमेंट को पे करते हो वो शायद से जहां तक मुझे नॉलेज है कि वो रिटर्न नहीं होता, बट एफसीएम में वो रिटर्न होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप अपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन का जो ये जीएसटी है हमेशा एफसीएम में करवाया करना। इसके बाद आता है दोस्तों लाइसेंस में, एफएसएसएआई लाइसेंस। आज के डेट में ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप फूड का किसी भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन करना चाहते हो या फिर वेयर हाउसिंग करना चाहते हो तो आपको एफएसएसएआई लाइसेंस भी लेना जरूरी हो जाता है। इसको बनाने के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन आपका जो है 7 से 10 दिन में आपको बन करके मिल जाएगा एफएसएसएआई का लाइसेंस। एफएसएसएआई लाइसेंस लेने से आपको ये फायदा होगा कि जितने भी फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आज के डेट में इंडिया में, आपको उनका मटेरियल का स्टोरेज साथ में ट्रांसपोर्टेशन करना स्टार्ट हो आसान हो जाएगा। क्योंकि वो लोग ज्यादा करके जिनके पास एफएसएसएआई का लाइसेंस होता है उन्हीं को बिजनेस ज्यादा वो देते हैं। इसके अलावे में दोस्तों आपको बताऊं एक चीज और कि अगर आपका कंपनी प्रोप्राइटरशिप में रजिस्टर्ड है या फिर पार्टनरशिप में रजिस्टर्ड है तो आप सेम नाम को प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करवा सकते हो। सेम नाम को प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करवाने के लिए भी यही सारी चीजों की जरूरत होती है। अगर आपका कंपनी प्रोप्राइटरशिप है या फिर पार्टनरशिप है तो आप यहां से चेंज करवा करके प्राइवेट लिमिटेड में ट्रांसफर करवा सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप, पूरा लंबा स्टेप नहीं, नेक्स्ट स्टेप मतलब दूसरा कदम आपका कौन सा होने वाला है ताकि आपको इस बिजनेस को समझने में और ज्यादा आसानी हो जाए और इस बिजनेस को आप आसानी से कर पाओ। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए डिटेल्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।